सुप्रभात बहनों, कक्षा द्वादश अतीत में दबे पांव आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हलका दीक्षित काशीनाथ की खुदाई उनके नाम पर। यहाँ दो हलके हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 35 फुट है। मोहनजोदड़ो से तीन तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर दो बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गली में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। वहाँ भी कोई मुख्य सड़क पर नहीं खुलता वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होंदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के वासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 900 से बाहर 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएँ भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञान संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हलका डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस समय दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ भी दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां भी अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातुकर्म। हालांकि सभी घर खंडहर और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा। कुछ इसके दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोवेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को
मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें दो आंगन और करीब 20 कमरे हैं। DKBC हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याचक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में मिली है। DKG मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे दो भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिसमें 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती थी। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में घड़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप बस के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में दो दो कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने की बांट आदि सब। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। इसका एक अर्थ यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह भी विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रीगरी पोसिल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों के ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहां लकड़ी की सीढ़ियां रही हों और जो कालांतर में नष्ट हो गई हैं। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो को जानी मानी मोहरों के पशु याद हुआ है। शेर, हाथी, गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी सिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी समृद्ध सभ्यता भी?